नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक माइनिंग कंपनी के बारे में। देखिए, माइनिंग इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे तो जितने सारे कंपनीज हैं, तो उनमें से नंबर वन पोजीशन में जिस कंपनी का नाम आते हैं वो है वेदंता। तो वेदंता के बारे में बात करूंगा, जिसका शॉर्ट फॉर्म विडल के नाम से आप जानते हैं। तो एनएससी में आप सर्च करेंगे तो विडल नाम सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, और वीएससी में अलग कोड होते हैं, उस कोड को भी आप सर्च कर सकते हैं। तो वेदंता के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि कंपनी ने पिछले दिन में क्वार्टर फोर का रिजल्ट भी पब्लिश किया था, और सबसे बड़ी बात, कंपनी एक जबरदस्त डिविडेंड अनाउंसमेंट किया, करीबन 30,000% का, सॉरी 32,200% का टोटल डिविडेंड अनाउंसमेंट किया। तो इतना शानदार डिविडेंड देने का फैसला लिया कंपनी ने। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर देखा जाए तो जो रिजल्ट है वो भी कुछ अप्स एंड डाउन लेकर रिजल्ट किया हुआ है। तो पूरा के पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। और एक चीज मैं जरूर यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, अभी तक अपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एंजल वन के माध्यम से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसके लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार अकाउंट ओपन कर लीजिए। और आप हमारा ग्रुप से अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेगा हमारा तरफ से। साथ ही साथ आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर ऑप्शंस में, उसका भी सारे के सारे लिंक आपको मिल जाएगा, जाकर एक बार चेकआउट करिए। अगर आपको अच्छा लगता है कॉल तो आप कंटिन्यू करना, नहीं तो आप निकल जाना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कंपनी देखा जाए तो एक माइनिंग कंपनी है, और कंपनी जो माइनिंग करते हैं देखा जाए मतलब देखा जाए तो आयरन ऑरी के ऊपर, साथ ही साथ गोल्ड एल्यूमिनियम निकल इस तरीके से कुछ माइनिंग करते हैं, वो भी देखिए गोवा में, कर्नाटका में, राजस्थान में, ओडिशा में, तो इस कुछ ही जगह में आप कंपनी यहाँ पे माइनिंग करते हैं। और कंपनी इंडिया के लीडिंग कंपनी है, कंपनी नंबर वन कंपनी है, तो क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप 1.53 लाख करोड़ का, तो लाखों में है, तो कितना बड़ा लार्ज कैप एंड ब्लू चिप कंपनी आप बोल सकते हैं। और तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस क्यों रखने के लिए बोला हूँ, तो आप देख लीजिए कंपनी के रिजल्ट जो हुआ उसके बाद, देखिए यहाँ पे आज के दिन थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिला, तो रिजल्ट किस तरीके से हुआ चलो वो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो रिजल्ट दिखाने से पहले सबसे जो गुड न्यूज है सबसे पहले वो आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए यही सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है, जो है कंपनी का डिविडेंड। तो कंपनी देखिए डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया, वो भी कितना आप देख सकते हैं, 35.1 रुपीज का डिविडेंड, वो भी फर्स्ट इंटीम डिविडेंड कंपनी आपको देने वाला है। और उसका फेस वैल्यू कितना है, 1 रुपया, मतलब 3,150% का यहाँ पे डिविडेंड देने वाला है। तो बहुत बड़ा डिविडेंड यहाँ पे कंपनी अनाउंसमेंट कर चुके हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे जबरदस्त डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है, और टोटल अराउंड 11,710 करोड़ का टोटल डिविडेंड पे आउट करने वाले हैं। तो इस पे आउट के हिसाब से जितने सारे शेयर होल्डर है उसको डिविडेंड मिल जाएगा। तो अभी देख लेते हैं कंपनी के बाकी पैरामीटर क्या है, क्या इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू आपको करना चाहिए। तो उससे पहले आपको कंपनी का रिजल्ट देखना पड़ेगा। तो रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे रिजल्ट जो है वो करोड़ों में है। और दूसरी बात, कंपनी का जो फर्स्ट कॉलम है वो क्वार्टर फोर का रिजल्ट है, सेकेंड जो कॉलम है क्वार्टर थ्री का रिजल्ट है, और थर्ड जो कॉलम है क्वार्टर फोर पिछले सालों का रिजल्ट है। तो यहाँ पर टोटल जो इनकम है उसके बारे में बात करूं तो 40,400 करोड़ का टोटल इनकम किया, चलो अच्छा खासा इनकम हुआ। पिछले सालों में कितना किया था, पिछले सालों में कंपनी ने किया था करीबन करीबन 34,600 करोड़ का, और सॉरी पिछले क्वार्टर में, और पिछले सालों में कितना 29,000 करोड़ का। तो देखा जाए तो कंपनी का अर्निंग यहाँ पे अच्छा खासा पॉजिटिव में देखने को मिला, और अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ हुआ इस तरीके से कुछ देखने को मिला है। तो प्रॉफिट में पहले मतलब प्रॉफिट बढ़ चुके हैं, यही बात आपको कहूंगा। उसके बाद बारी है कंपनी के एक्सपेंस की। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो टोटल जो कंपनी का एक्सपेंस है तो करीबन करीबन 29,000 करोड़ का एक्सपेंस कर चुके हैं कंपनी। तो जिस तरीके से इनकम किया उसके हिसाब से कंपनी ने एक्सपेंस भी किया। पिछले क्वार्टर की तुलना से देखा जाए तो कंपनी के एक्सपेंस कम हुआ, 26 करोड़ का टोटल एक्सपेंस किया, और पिछले सालों में 22,000 करोड़ का एक्सपेंस किया। तो यहाँ पे कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है, तो टैक्सेस पे करने के बाद बिफोर टैक्सेस भी आप देख सकते हैं, तो मैं कहूंगा आपको आफ्टर टैक्सेस डायरेक्ट देखना चाहिए। तो टोटल टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, तो टैक्सेस एक्सपेंस के बाद कंपनी के हाथ में टोटल जो प्रॉफिट आया आप देख सकते हैं, टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस
तो करीबन करीबन 7,200 करोड़ का प्रॉफिट किया। मगर यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, जो है कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस। पिछले सालों में इनकम तो कम हुआ था, एक्सपेंस को कंट्रोल किया, कंपनी की टैक्सेस भी कंट्रोल किया, तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ चुके हैं 7,600। तो पिछले सालों में कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिला था, और कंपनी के पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुके हैं करीबन 200 करोड़ तक, क्योंकि पिछले क्वार्टर में करीबन 500 करोड़ तक कंपनी ने प्रॉफिट किया था, और इस क्वार्टर में कंपनी 700 करोड़ तक प्रॉफिट किया। तो 200 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट जाम हुआ क्वार्टर क्वार्टर बेसिस, और ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखा जाए कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो करीबन करीबन 55.66 मतलब रुपीज का अर्निंग हुआ है कंपनी का, और पिछले क्वार्टर में देखा जाए तो 11.24 था, और पिछले साल में ज्यादा था 17.37। और ईयर ऑफ ईयर बेसिस बात करूँ तो मतलब 2021 एंड 2022 के हिसाब से कंपनी का अर्निंग अच्छा खासा ग्रोथ हुआ इस साल में, करीबन 31 रुपीज था, अभी 50 रुपीज तक पहुंच चुके हैं। तो ये था कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट। अभी कंपनी का में एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है 31 रुपीज 31.50 रुपीज का डिविडेंड भी कंपनी देने वाला है, तो उसके बेसिस से मैं जरूर कहूंगा क्या इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैं उससे पहले कंपनी के डिटेल्स के बारे में देखना चाहूंगा। तो कंपनी का जो डिटेल्स है, मुझे इस कंपनी का डिटेल्स ऑब्वियसली पॉजिटिव में लगते हैं, क्योंकि देखिए कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट रेशियो को मेंटेन किया, कंपनी कर्जा लेने के बाद भी उसका इंटरेस्ट पे करने के बाद भी कंपनी के हाथ में अच्छा खासा प्रॉफिट आया, क्योंकि आप देखेंगे तो करीबन 1,50,000 तक मतलब 1,50,000 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे सॉरी मार्जिन टोटल मार्केट कैप है इसका, और कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत रिजनेबल प्राइस में दिखा, 8 रुपया इसका पी रेशियो है, जिसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो 11 है। इसका मतलब इंडस्ट्रीज पी रेशियो से भी बहुत कम है और खुद का पी रेशियो से भी बहुत बहुत कम है। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर रिएक्ट करूंगा। कंपनी का देखिए फेस वैल्यू 1 रुपया है, मतलब कंपनी स्प्लिट भी किया हुआ है, कंपनी डिविडेंड शानदार पे आउट करते हैं, हर क्वार्टर में कंपनी डिविडेंड देते हैं, वो भी शानदार। इस बार आपने देखा हो कि 31.50 रुपीज का डिविडेंड, देखिए 400 रुपीज का शेयर और 30 रुपीज 31 रुपीज का डिविडेंड, मतलब बहुत बड़ा डिविडेंड कंपनी दे रहा है। इस तरीके से शेयर प्राइस में तो ज्यादातर 1 से 2 5 रुपया तक कंपनी डिविडेंड देते हैं, उससे ज्यादा नहीं देते। रिलायंस जैसे कंपनी, वो भी देखिए 5 7 10 15 रुपीज का डिविडेंड देते हैं, और शेयर का प्राइस आप देखना करीबन करीबन 2,000 के ऊपर है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि जो कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग अच्छा हो रहा है वो डिविडेंड अच्छा खासा भी देगा। और कंपनी देखिए, कंपनी देखा जाए तो इसका फ्री कैश फ्लो जो है वो 17,000 करोड़ है, कंपनी का इनकम जो है वो 18,000 करोड़ है, कंपनी के पास कर्जा भी देखिए 53,000 करोड़ है। इसका मतलब कर्जा होने के बाद भी कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड पे आउट किया हुआ है। तो साथ ही साथ कंपनी कर्जा होने के बाद भी कंपनी ने टाइम टू टाइम इंटरेस्ट को पे किया, और यहाँ पे डेप्थ ऑफ इक्विटी भी कम किया, 0.82% है। इस कंपनी के सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है, सबसे बड़ा वो है कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग कितना है, 69.7। चलो अच्छा है, आप कहेंगे सर अच्छा खासा तो होल्डिंग है, तो फिर भी आपको भी बता रहा है। हाँ देखिए, प्लेजिंग शेयर कितना, 100%, मतलब 69% 69.7% का होल्डर टोटली टोटली उसका जो शेयर है वो प्लेज करके रखा, मतलब गिरवी रखा है। अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ी हो, अगर कंपनी के हालत कुछ खराब हो, तो जो प्लेजिंग शेयर है वो जिसके पास गिरवी रखा है वो तो बेचेंगे नहीं, वो तो बेच देंगे, तो आप पूरा का पूरा प्रोमोटर के हाथ से पूरा का पूरा शेयर और कंपनी चला जाएगा। तो ये करना नहीं चाहिए, और इस परसेंटेज को कम होना चाहिए। 100% प्लेजिंग मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा नेगेटिविटी माना जाता है। तो फिर भी मैं कहूंगा इस तरीके से नेगेटिविटी शायद फ्यूचर में ना रहे, प्रोमोटर का जो गिरवी लेने का जो कारण है शायद बिजनेस को बढ़ाने के लिए है। अगर बिजनेस अच्छा खासा ग्रोथ हो गया तब उसका प्लेजिंग वो पैसा देके और इसको इंटरेस्ट पे करके वो वापस ले लेंगे, तो बाद में क्या होगा वो बाद के बाद है। अभी तो फिलहाल के लिए कंपनी का कर्जा अभी दिख रहा है, साथ ही साथ कंपनी प्लेजिंग भी करके रखे है। तो अभी बात करूंगा कंपनी के बाकी पैरामीटर्स के ऊपर। बाकी पैरामीटर्स मतलब आप देखेंगे तो कंपनी के देखिए पोर्स ज्यादा देखने को मिलेगा और कॉन्स सिर्फ दो ही देखने को मिलेगा। कंपनी इंडिया का नंबर वन कंपनी है माइनिंग इंडस्ट्रीज में, और साथ ही साथ कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियो है, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिलेगा, और साल भर की बात करूं तो साल भर में भी रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस दिखेगा। हाँ, बीच में कंपनी ने
कुछ कुछ बार लॉसेस भी किया हुआ है और बाकी टाइम कंपनी ने प्रॉफिट किया और कंपनी रिटर्न भी शानदार दिया। अराउंड आपको रिटर्न के रेशियो बता दूं तो 15 से 20% तक आपको एवरेज रिटर्न 5 से 10 साल तक मिलते रहे। तो कंपनी रिटर्न देने का मतलब रिटर्न जिस तरीके से है उस तरीके से उसका परफॉर्मेंस भी है, कहाँ पे भी आपको नेगेटिविटी नहीं दिखेगा कि हाँ चलो सेल्स डाउन है प्रॉफिट डाउन है फिर भी रिटर्न दे रहा है। इस तरीके से बहुत सारे कंपनी आपको मिल जाएगा, तो उस कंपनी में थोड़ा सा नेगेटिविटी आप सोच सकते हैं। तो इस कंपनी ने एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट दिया आप देखेंगे तो कंपनी ने बोनस दिया 1:1 का 2 बार बोनस दिया। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट तो यहाँ पे आपको मिला, तो इस तरीके से एक्स्ट्रा बेनिफिट आप चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर आप रह सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है इस कंपनी के बारे में। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा ज्यादातर वोलेटिलिटी है इस कंपनी के ऊपर, तो इस कंपनी के इस वोलेटिलिटी आप झेल सकते हैं तो आप इस टाइप कंपनी के ऊपर बने रह सकते हैं। अगर इस तरीके से वोलेटिलिटी आप झेल नहीं पाएंगे तो आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश नहीं कर सकते। तो बाकी आपके मर्जी, आप एक बार चेकआउट करना उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।